हम लोग अक्सर अपने घर के आसपास तो कचरा फैला हुआ देखते ही हैं, बट अगर मैं आपको बताऊं कि एज अ ह्यूमंस हमने मून पर भी काफ़ी कचरा फैलाया है तो क्या आप यकीन करेंगे? और अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा वेस्ट है जो हमने मून पर डिलीवर किया है, तो लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो। 1969, ये हिस्ट्री का वो साल था जब इंसानों ने पहली बार चांद पर कदम रखा और नील आर्मस्ट्रांग और बस एल्ड्रिन चांद पर कदम रखने वाले पहले और दूसरे इंसान भी बने। और इसके बाद आने वाले कई सालों तक कई मून मिशंस किए गए, कुछ सक्सेसफुल रहे और कुछ अनसक्सेसफुल रहे। जैसे सोवियत यूनियन का लूनर 2 मून मिशन, ये पहला स्पेसक्राफ्ट बना जो कि मून पर जाके क्रैश किया था। और तब से ही 500,000 पाउंड्स ऑफ ह्यूमन आर्टिफैक्ट्स वो हम लोगों ने मिलकर, मतलब हमने नहीं, एस्ट्रोनॉट्स ने मिलकर हमारे नेचुरल सैटेलाइट पर डिलीवर किया है। बट क्या आपको पता है कि इस दौरान हम सब ने मून पर कितना वेस्ट छोड़ा है? भले ही अभी हमारा मून पर रहने का कोई ठिकाना ना हो, बट हमने अपनी पहचान तो वहाँ ज़रूर ही छोड़ दी है। जैसे अपनी डेस्टिनेशन पर जाते टाइम एस्ट्रोनॉट्स के द्वारा यूज़ किए गए टिश्यू पेपर, वेट वाइप्स, फूड पैकेजेस और लगभग 100 पैकेट्स ऑफ ह्यूमन यूरिन एंड एक्सक्रीमेंट जो उसमें इंक्लूडेड था, वो हमने अपने खूबसूरत चांद पर बस यूं ही डंप कर दिया। उसके बाद अपोलो एस्ट्रोनॉट्स ने अपने कुछ ऐसे टूल्स और टेलीविजन को भी मून पर डंप किया जिसकी अब उनको कोई ज़रूरत नहीं थी। एक्चुअली ऐसा करने के पीछे ये रीज़न बताया जाता है कि वो अपने कमांड मॉड्यूल से वेट को शेड कर रहे थे ताकि वो मून से इकट्ठा की गई मिट्टी को और पत्थरों को साइंटिफिक पर्पज़ के लिए धरती पर वापस लेके आ सके। और इस अपोलो मिशन में एस्ट्रोनॉट्स ने अप्रॉक्सीमेटली 850 पाउंड्स ऑफ मून की रॉक एंड ल्यूनर सॉइल को इकट्ठा किया जो वो धरती पर लेके आए थे। इसके अलावा मून पर कुछ यादगार चीज़ें भी छोड़ी गईं, जैसे 6 अमेरिकन फ्लैग्स जो कि मून पर एस्ट्रोनॉट्स के द्वारा प्लांट किए गए थे। और अब तक तो ये फ्लैग्स काफ़ी फेड भी हो गए होंगे। और इसके अलावा मून पे जो सबसे बड़ी और सबसे हैवी चीज़ छोड़ी गई वो थे 70 स्पेसक्राफ्ट व्हीकल्स, जो कि मून पर केवल इसलिए छोड़ दिए गए क्योंकि वो इतने हैवी थे और उनको धरती पर वापस लेके आने में कोई फ़ायदा नहीं था। यहाँ तक अपोलो 11 का लैंडिंग मॉड्यूल भी अभी भी हमारे मून पर मौजूद है जिस पे लिखा हुआ है, हियर मैन फ्रॉम द प्लैनेट अर्थ फर्स्ट सेट फुट अपॉन द मून जुलाई 1969 AD, वी केम इन पीस फॉर ऑल मैनकाइंड। ये मैसेज जो कि ये शो करता है कि इंसानों ने मून पर लैंड करके कितनी बड़ी जीत हासिल करी। इन सब आइटम्स के अलावा मून पर कुछ पर्सनल आइटम्स भी छोड़े गए, जैसे कि ये फैमिली फोटोग्राफ और अपोलो मिशन के वक्त एस्ट्रोनॉट एलन शेफर्ड के द्वारा खेली गई गोल्फ बॉल्स को भी चांद पर छोड़ दिया गया। हमारा चांद हमारी ऐसी कई चीजों का घर बन चुका है जो उस पर गए ह्यूमंस ने वहां पर छोड़ी, जो कि ह्यूमंस के द्वारा की गई उनकी एक्सप्लोरेशंस और अचीवमेंट्स को दिखाता है। और ये ऑब्जेक्ट्स हमें हमेशा रिमाइंड कराएंगे हमारे पास accomplishments और humans के द्वारा की जा रही कोशिशें जो कि वो यूनिवर्स को समझने में कर रहा है। वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।